नमस्कार। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फोबिया दैट ऑल ऑफ अस हैव। हम सारे भारतीयों को ये एक फोबिया है कि घर में कोई भी कुछ कहेगा, अच्छी कहे या बुरी कहे, उसकी हम वैल्यू नहीं देते हैं। यही शब्द अगर कोई बाहर वाला कह दे तो उसकी वैल्यू हमारे लिए बहुत बढ़ जाती है, और ख़ासकर मैं अगर वो विदेशी व्यक्ति हो। ए फॉरेन स्टैम्प ऑफ अप्रूवल बिकम्स वेरी नेसेसरी। ये बात हमारे राजनेताओं में आज ज़्यादा दिखती है, और स्पेशली जो है हमारे जो बीजेपी की जो रूलिंग पार्टी है, वो लगता है कि वो हर समय बाहर का अप्रूवल वो चाहते हैं। खासकर आपने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जब भी कोई किसी चीज़ का इनॉग्रेशन करते हैं या फाउंडेशन स्टोन रखते हैं, वो चीज़ हमेशा सबसे बड़ी होती है, या तो दुनिया में नहीं तो एशिया में। और हम इस चक्कर में ये सब करने के पीछे उसकी असलियत भूल जाते हैं। हम सबसे बड़ा टनल इनॉग्रेट करते हैं दुनिया में, लेकिन ये भूल जाते हैं वो टनल कितनी मेहनतों से बना, कितने उसमें लोग मर गए, उसको कितनी बार रियलाइनमेंट किया गया, उस ये सारा कुछ नहीं बताया जाता। केवल एक शब्द आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टनल हमने बनाया, और वो टनल है भी बड़ा या नहीं उसका डजंट रियली मैटर, द स्टेटमेंट इटसेल्फ मैटर्स। हम सबसे बड़ा रेल पुल बनाते हैं, हम सबसे एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट अभी जेवर का उन्होंने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। अब वो एशिया में सबसे बड़ा है या नहीं है, इट रियली डजंट मैटर। हमारे यशस्वी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर आसीन, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा तो उत्तर प्रदेश के जेवर में बनेगा। उसी समय योगी आदित्यनाथ जी का भी एक स्टेटमेंट आया कि यूपी में मैंने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिए हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से हैं ये तो मैं ढूंढ नहीं पाया, शायद उन्होंने अयोध्या को भी गिन लिया है। लखनऊ, बनारस, कुशीनगर, चौथा जेवर, पांचवा शायद अयोध्या। इन एयरपोर्ट्स की अभी ये बने भी नहीं हैं, और क्या ज़रूरत थी ये भी हम देखेंगे। तो आज मैं बात करूंगा जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके बारे में क्या बताया गया है और क्या असलियत है। मार्केटिंग में ये एक स्ट्रेटजी होती है कि अगर आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं और आप उसको कहीं पे फर्स्ट नहीं दिखा पा रहे किसी कैटेगरी में, देन यू क्रिएट अ कैटेगरी फॉर योरसेल्फ। अपनी एक नई कैटेगरी बनाइए और उसमें अपना प्रोडक्ट नंबर वन दिखाइए। ये आप हमेशा इधर जब एड्स देखेंगे तो आपको ये पता लगता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, नींबू वाला रिन, अब नींबू डाल के आप वो डाल दिया तो सडनली वो अलग कैटेगरी हो गई, उसमें आप नंबर वन हैं। नमक वाला टूथपेस्ट नंबर वन, चाहे आप एक ही ट्यूब बेचेंगे लेकिन उसमें नमक है, वो आपकी एक कैटेगरी हो गई, उसमें आप नंबर वन हो गए। तो इसी तरह से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है या हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमेशा एक अपनी कैटेगरी क्रिएट करके उसमें दुनिया में सबसे बड़ा अपने को बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस टनल का उद्घाटन किया, अटल टनल रोहतांग पास पर। इसको बोला गया कि ये टनल इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड अबव 10,000 फीट, यानी कि 10,000 फीट से ऊपर ये जो टनल है ये सबसे बड़ा है। अब देखें कि सबसे बड़ा टनल है कौन सा वर्ल्ड में। बिगेस्ट टनल इन द वर्ल्ड इज गोथार्ड बेस टनल, ये स्विट्जरलैंड में है और 57 किलोमीटर लॉन्ग है। रोहतांग टनल जो है वो 9 किलोमीटर के करीब लंबा है, इसीलिए एक कैटेगरी बनाई कि 10,000 फीट के ऊपर सबसे लंबा टनल कौन सा है, और शायद इसको चेक नहीं किया है, शायद ये टनल सबसे बड़ा होगा।
तो पहले योगी जी के जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है उसको देखते हैं। यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, पहली चीज 5 नहीं है। अगर आप अयोध्या फ्यूचरिस्टिक कभी कब बनेगा और वो इंटरनेशनल बनेगा तब 5 होंगे, नहीं तो फिलहाल 3 है और जेवर मिला के 4। तो चलिए देखते हैं इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक देश में कितना रहा है। इसके लिए मैंने 2 साल चुने हैं, 2 महीने, अक्टूबर 2019 और अक्टूबर 2021, क्योंकि 2020 वॉज अ कम्प्लीटली वॉश आउट ईयर। तो हमारे देश में अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 39 जो हैं वो डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ये किस किस स्टेट्स में है वो इधर में मैंने दिखाया हुआ है। दिल्ली में 1, महाराष्ट्र में 5, और जिसकी बात हम कर रहे हैं यूपी, उसमें 3 एयरपोर्ट्स हैं। ये टोटल इसके बगल में पैसेंजर कितने उस साल ट्रेवल किए वो फिगर यहाँ पर है। दिल्ली करीब 15.88 लाख किए, महाराष्ट्र में बॉम्बे 10 लाख के ऊपर, यूपी में तीनों एयरपोर्ट्स में मिलाकर 84,788 पैसेंजर्स गए अक्टूबर 2019 में। इस साल अभी तक 71,390 के करीब हैं। ये फिगर पूरे इंडिया का जो यूपी में इंटरनेशनल ट्रैवल होता है वो 1.5% से कम होता है। तो यहाँ पे चौथा एयरपोर्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। उस एयरपोर्ट पर मैंने एक एपिसोड भी किया था, कुशीनगर का, मिडल ऑफ नोवेयर। वो उसमें अभी तक केवल 231 पैसेंजर्स आए हैं, वो इनॉग्रेशन के टाइम में जो श्रीलंका से एक हवाई जहाज आया था, उसके बाद से अभी तक फ्लाइट शुरू नहीं हुई है। डोमेस्टिक फ्लाइट शायद लास्ट वीक शुरू हुई थी, बट उसकी ऑक्यूपेंसी बहुत कम थी। बनाया गया है वो बुद्धिस्ट सर्किट के लिए, देखते हैं आगे वो ट्रैफिक कितना पिकअप करता है, फिलहाल तो वो 0 है। ये पैसेंजर ट्रैफिक वर्सेस सिटी है, 2019 और 2021 का ये ग्राफ है। सबसे ज़्यादा दिल्ली, फिर बॉम्बे, कोचीन, हैदराबाद, कालीकट, बैंगलोर एट्सेट्रा। लखनऊ का नंबर इस ग्राफ में करीब 9वें स्थान पर आता है, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक दोबारा शुरू होगा लखनऊ की पोजीशन करीब 15 या 16वें स्थान पर है। बनारस ना के बराबर है और कुशीनगर मैंने अभी आपको बता दिया है। तो मेरा यही प्रश्न है कि यूपी में मेरे हिसाब से अंतरदेशीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली से उसकी प्रॉक्सिमिटी है, दिल्ली में ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं, फेयर्स एक्स दिल्ली कम होते हैं, तो शायद ही इंटरनेशनल ट्रैवल यूपी में बढ़ेगा। तो वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स क्यों बनाते जा रहे हैं? आप लोग शायद भूल गए होंगे कि मोदी जी ने 2018 में एक और बड़े एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा था, वो था नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 18 फरवरी 2018 को। और यहाँ पे उनका इनॉग्रेशन की ये तस्वीर है जहाँ पे वो मोदी जी बैठे हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस जो उस समय मुख्यमंत्री थे वो बैठे हुए हैं, एंड इट्स अ वेरी लैक लस्टर काइंड ऑफ अ सेरेमनी। यहाँ पे कोई एंथुजियाज्म किसी के चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा है, और इसीलिए आज इस एयरपोर्ट की बात भी नहीं होती है। ये एयरपोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उस समय मिला था जीवी के इंडस्ट्रीज को जो बॉम्बे एयरपोर्ट चलाते थे, एंड सिडको जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का था। लास्ट ईयर जीवीके को वहाँ से हटा के ये सारा जो एयरपोर्ट है, ये नवी मुंबई एज वेल एज छत्रपति शिवाजी, ये दे दिया गया है अडानी ग्रुप को। क्योंकि ये माना जाता था कि जहाँ पे मोदी जी ने जो फाउंडेशन रखा था वो कांग्रेस की स्कीम थी, पृथ्वीराज चव्हाण ने उसको ये कंसेप्चुलाइज किया था, उन्होंने ही इसका अप्रूवल लाया था, तो इसलिए मोदी जी उस समय ज़्यादा नहीं बोले। फिर भी यहाँ पे बोल दिया गया कि
ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड द कंट्रीज लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल. अगेन द वर्ड लार्जेस्ट आ गया फॉर JNPT. JNPT शुरू से ही लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल रहा है, वो बना ही कंटेनर टर्मिनल था. उसका एक तरह से री इनॉग्रेशन करा के ये खबर छापी गई. चलिए अब देखते हैं कि जेवर इंटरनेशनल यानी नोएडा इंटरनेशनल क्या एशिया में सबसे बड़ा है. एशिया में सिंगापुर भी आता है, हांगकांग भी आता है, सऊदी अरेबिया भी आता है, मॉस्को भी आता है, कई बड़े बड़े कंट्रीज आते हैं. सिंगापुर जो है, यहाँ ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ये है स्क्वायर किलोमीटर एरिया उस एयरपोर्ट का. इसमें सबसे बड़ा इस वक्त शंघाई एयरपोर्ट है जो बना हुआ है 40 स्क्वायर किलोमीटर्स का. किंग फहद एयरपोर्ट दमम, ये इतना ज़्यादा बड़ा एरिया अलोकेटेड है, ऑलमोस्ट एक शहर जितना. यूटिलाइजेशन यहाँ का इतना नहीं है, बट वो एक एरिया ब्लॉक करके रख दिया है. वो ह्यूज एरिया है, ऑलमोस्ट लाइक अ सिटी. तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. ये 700 स्क्वायर किलोमीटर नहीं बनेगा, 20-25 स्क्वायर किलोमीटर में एक अच्छा खासा एयरपोर्ट बन जाता है. बेजिंग डैक्सिंग जो कि बेजिंग का दूसरा एयरपोर्ट है नंबर दो, वो 47 स्क्वायर किलोमीटर का है. और दिल्ली का IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल वो है 20 स्क्वायर किलोमीटर का. जो जेवर बनने जा रहा है जब वो पूरा बनेगा उसका टोटल एरिया अलोकेशन है 20 स्क्वायर किलोमीटर. तो एरिया वाइज तो डेफिनेटली एशिया में सबसे बड़ा नहीं है. दूसरा चीज़ होता है कि एनुअल आप पैसेंजर मूवमेंट देखें कि कितना पैसेंजर उस एयरपोर्ट के थ्रू ट्रैवल करते हैं. उसमें भी इस वक्त जो है बीजिंग जो है वो सबसे ऊपर है. एयरपोर्ट वो ऑलरेडी 100 मिलियन पैसेंजर्स क्रॉस कर चुका है और ऑलमोस्ट वो दुनिया का सबसे नंबर वन एयरपोर्ट बनने जा रहा है. अगले एक आध साल में इट विल ओवरटेक द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट विच इज करेंटली इन एटलांटा. उसके बाद सारे जो एयरपोर्ट्स हैं हांगकांग, सिंगापुर, ये सब 70-75 मिलियन की रेंज में हैं. दिल्ली जो है वो लास्ट ईयर 67 मिलियन पे पैसेंजर्स पर था, बॉम्बे 47 पर. जेवर हम फेज वन में जो प्लान कर रहे हैं वो है 12 मिलियन पैसेंजर्स. जो कैपेसिटी है जब चारों फेज कंप्लीट होंगे तब भी ये 70 मिलियन होगा. जब ये 70 मिलियन होगा उस समय बीजिंग कहाँ पहुँचा होगा या हांगकांग कहाँ पहुँचा होगा, ये एक सोचने की बात है. दूसरी चीज़ जो प्लान है जेवर का वो चार फेजेस में है, स्प्रेडेड अक्रॉस 30 ईयर्स. एक और बात बोली गई है कि रनवेज यहाँ पर 6 रनवे होंगी और यहाँ एशिया में 6 रनवे का कोई एयरपोर्ट नहीं है. ये बात आज की तारीख में कहीं तक किसी हद तक सही है. सबसे ज़्यादा रनवेज हैं इस वक्त अगेन शंघाई एयरपोर्ट पे यहाँ पे. बट जो जेवर में पहले एक रनवे बनेगी फिर दो बनेंगी, ये 6 रनवेज कब तक बनेंगी इसकी क्लैरिटी नहीं है. और जब तक जेवर में 6 बनेंगी ये बाकी ट्रैफिक यहाँ पर रहने वाला नहीं है, ये यहाँ से 10 गुना हो चुका होगा. तो उस समय का क्या सिनेरियो होगा उसको आज कंपेयर करना ये ठीक नहीं है. तो जेवर, यस इट्स अ गुड गुड एयरपोर्ट विच इज़ कमिंग अप. दिल्ली पे लोड कम होगा लेकिन वो एशिया में सबसे बड़ा है ऐसा कहीं भी ये दिखता नहीं है. इनफैक्ट जो मुंबई में जो एयरपोर्ट बन रहा है नवी मुंबई में, उससे भी जेवर फिलहाल बड़ा होगा फेज वन और फेज टू मिला के, ये भी बात क्लियर नहीं है. ये एक छोटा सा कंपैरिजन मैं दिखा रहा हूँ दोनों एयरपोर्ट्स के बीच में. दोनों जगह 2 रनवेज हैं. यहाँ पे दूसरी रनवे फेज टू में बनेगी जेवर में, वहाँ पे शुरू से ही दोनों बन रही हैं. एप्रन एरिया 67,000 स्क्वायर मीटर्स. टर्मिनल एरिया नवी मुंबई का कहीं ज़्यादा है फेज वन का, 250,000 स्क्वायर मीटर है. ये करीब 100,000 स्क्वायर मीटर्स है. फ्यूल फार्म
नवी मुंबई में बहुत बड़ा है, डोमेस्टिक कार्गो इंटरनेशनल कार्गो बिकॉज ऑफ कंटेनर मूवमेंट नवी मुंबई में बहुत बड़ा बन रहा है, और कॉस्ट उसकी रफली आधी है, $2 बिलियन है, यहाँ पे $4 बिलियन है। पैसेंजर ट्रैफिक जो है, जो डिज़ाइन पैसेंजर ट्रैफिक है नवी मुंबई का, वो है 55 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर, जेवर फेज़ 1 फेज़ 2 में मिला के मैक्सिमम 70 मिलियन तक के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। तो इस वक्त अगर रियली पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करें तो एशिया तो छोड़िए, अभी शायद नवी मुंबई से भी ये एयरपोर्ट पहले दो फेजेस में उससे बड़ा नहीं बन रहा है। और जैसा मैंने कहा कि 30 साल में क्या चेंजेस आएंगे और क्या होगा, उसके लिए अभी से ये मेजर करना, ये बात ठीक नहीं है। इस सब मार्केटिंग टॉक में किसी भी मंत्री ने असली फायदे नहीं बताए हैं जेवर एयरपोर्ट के। इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, देर बी अ ईज ऑफ फॉर पैसेंजर्स, ईस्ट दिल्ली के पैसेंजर्स को बहुत सुविधा हो जाएगी। कंबाइंड दिल्ली के अंदर 170 मिलियन पैसेंजर्स पर एनुअली का ट्रैफिक हम दे पाएंगे, वो एक तरह से दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होगा। तो कई फायदे भी हैं, बट हम जो है, हम हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो किसी और ही रास्ते पर चलते रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।